हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। मैं हूं आलोक और आज हम बात करेंगे एंटी मैटर पे। मैटर के बारे में तो बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है। मैटर जिससे हम बने हुए हैं, आप बने हुए हैं, इस समोसे कबूतर और हाँ ये आदमी भी बना हुआ है मैटर से। मैटर यानी कि पदार्थ। मैटर से जितने भी चीज़ हैं वो आप देख ही रहे हैं कि सारा दुनिया जो है वो मैटर से ही बना हुआ है। जब ब्रह्मांड बना, बिग बैंग हुआ, तो एंटी मैटर और मैटर दोनों ही मौजूद थे। लेकिन अभी हम एंटी मैटर को नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये सवाल है कि एंटी मैटर है या नहीं, है तो कहाँ है, कितने पैमाने पर मौजूद हैं। ये सब जानने के लिए हमें जानना होगा, पहले जानना होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका मतलब होता है E=MC², जिसका खोज किए थे एल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो कि साइंटिस्ट थे। आप भी जानते हैं कि वो एक साइंटिस्ट थे। जब वो रिलेटिविटी का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज कर रहे थे, उस समय दूसरे साइंटिस्ट ये खोज करने में लगे हुए थे कि कैसे इस ब्रह्मांड का छोटा छोटा कण काम करता है, और वो कहलाता है क्वांटम थ्योरी। ये सब होता था मैथ्स, गणित, बहुत सारे गणित के जरिए। आप उसी समय पॉल डिराक नाम का एक फिजिशियन आए, जिन्होंने ये पता लगाया कि X²=4 हो सकता है, तो +2 का जो स्क्वायर होगा वो भी 4 होगा, और -2 का जो स्क्वायर होगा वो भी 4 होगा। तो इस पे +2 पर जो है वो मैटर रखा गया, और -2 पे एंटी मैटर को रखा गया। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन है कि हम एंटी मैटर को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। तो हम माना कि हम अपने इतने तजुर्बेदार नहीं हैं, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इन्हें पता लगाने में मौजूद हैं और पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हम जानते हैं कि एंटी मैटर और मैटर दोनों के प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग हैं। तो यदि ये दोनों मिलेंगे तो क्या होता है? बम बमाक विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट, और जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिहाइलेशन। और इस प्रोसेस के थ्रू जब विस्फोट होता है तो गामा रज को रिड्यूस करते हुए, छोड़ते हुए, प्रोड्यूस करते हुए निकल जाते हैं। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैटर के प्रॉपर्टीज़ और एंटी मैटर के प्रॉपर्टीज़। मैटर जो कि बने होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, जो कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है मैटर का, वहीं एंटी प्रोटॉन नेगेटिवली चार्ज और पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है एंटी मैटर का। अब इन दोनों के प्रॉपर्टीज़ थे, और आप जानते हैं कि दोनों के प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग हैं, और ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? आप जानते हैं बम बमाक विस्फोट, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि बहुत बड़ा विस्फोट होता है। अभी साइंटिस्ट अपने लैब में खोज कर रहे हैं, बना रहे हैं एंटी मैटर को, और कुछ हद तक उन्होंने एंटी मैटर को पकड़ा भी था। लगभग हम जानते हैं कि कब पकड़ा था, तो उन्होंने पहली बार जब एंटी मैटर को पकड़ा था तो वो समय था 17 नवंबर 2011, जब पहली बार उन्होंने पकड़ा था। अब हमारे साइंटिस्ट पकड़ रहे हैं, बना रहे हैं, और कई पैमाने पर उन्होंने बनाया भी है, ज़्यादा नहीं 10 नैनोग्राम ही बना पाए हैं अभी तक, और जो कि एक बल्ब को 4 घंटा तक एनर्जी दे सकता है। बहुत एनर्जीफुल होता है, बल्कि बनाने में थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट खर्चा होता है, लेकिन ये बनाना ज़रूरी है हमारे लिए, जो कि एक कैंसर की बीमारी को भी ठीक करता है, जैसे कि पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये सब इनका प्रोसेस है बना ठीक करने का, कैंसर ठीक करने का। तो ये हमारे लिए आप जान सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फुल होता है ये। तो हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर के जगह आगे एंटी मैटर रिएक्टर हो, देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे लिए अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होने वाला है, वो बहुत अच्छा होने वाला है। यदि वो बन जाए तो बहुत पैमाने पर ढूंढ लें हमारे साइंटिस्ट एंटी मैटर को। तो यदि हम एंटी मैटर बहुत पैमाने पर ढूंढ लेते हैं, तो हम ऐसे ऐसे स्पेस क्राफ्ट बना पाएंगे जो कि लाइट की तेज़ी से भी वो चलेगा, लाइट के तेज़ी से ज़्यादा भी चलेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यदि हम जाने इनके बारे में तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यदि 10 अगले 10 सालों तक हम नहीं बना पाए ना, तो बहुत मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, बहुत मुश्किल का हम सामना करने वाले हैं इस पृथ्वी पे, प्रलय आने वाली है। और ये हमारे अच्छा होगा कि बन जाए एंटी मैटर। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आज भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इस वीडियो को, और फटाफट से सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे अगला वीडियो जो होगा आपके पास फटाफट से सबसे पहले पहुंच जाए, और हमारा अगला वीडियो के साथ आप इंजॉय कर पाएँ, जान पाएँ। थैंक यू, गुड बाय।